नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के साथ लगभग ये भी तय हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी न सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता गंवा चुकी है बल्कि अब टूट की कगार पर भी पहुंच चुकी है। दरअसल आज महाराष्ट्र विधानसभा में सिंधे खेमे का फ्लोर टेस्ट हुआ जिसमें सिंधे खेमे ने बहुमत हासिल कर लिया और इस पूरी प्रक्रिया से कांग्रेस के 10 विधायक नदारद नजर आए, जिसको लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जहां महाराष्ट्र विधानसभा में आज एक एक विधायक का वोट बेहद महत्वपूर्ण था और जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए तो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी के 10 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं पहुंचे, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद ये लगातार अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में महाविकास अघाड़ी में बड़ी फूट पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी अब महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकती है, जिस तरह से हम लगातार ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने के बाद महाविकास अघाड़ी सत्ता से बेदखल होने के बाद लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर महाविकास अघाड़ी में फूट के संकेत दे रहे हैं। आपको ये बता दें कि आज बहुमत परीक्षण के दौरान कांग्रेस के 10 विधायक आज महाराष्ट्र विधानसभा में उपस्थित नहीं थे, जिसमें से जो कांग्रेस के विधायक हैं अशोक चौहान वो नहीं पहुंचे। इसके अलावा विजय वेंटिवार, प्रणीति सिंधे, जिशन सिद्दीकी, धीरज बिलासराव देशमुख, एनसीपी के अन्ना और साथ ही संग्राम जगपात वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे। ये तमाम वो विधायक थे जिन्होंने आज वोट नहीं किया, वो भी ऐसे वक्त में जब एक एक विधायक का वोट बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था और जाहिर तौर पर उद्धव सेना की ओर से भी व्हिप जारी किया गया था और ये साफ तौर पर कहा गया था कि एक एक वोट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के इन विधायकों ने वोट नहीं किया, इसके बाद अब ये माना जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी अब महाविकास अघाड़ी से अलग हो सकती है और जिस तरह से 10 विधायकों ने वोट नहीं किया, आखिर इसकी वजह क्या है ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो अब सिंधे गुट में शामिल हो जाएंगे, क्या वो विधायक भी अब बीजेपी का रुख करेंगे, ये भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इस पूरी राजनीति पर दरअसल तमाम जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप रायमुलकर ने दरअसल जिस तरीके की जानकारी दी है, जब उनसे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि पहले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और फिर फ्लोर टेस्ट में एनसीपी कांग्रेस के कुछ विधायक गैर हाजिर रहे हैं, वो भी तब जब पार्टी ने व्हिप जारी कर रखा था, और इससे ये पता चलता है कि बगावत के सुर एनसीपी और कांग्रेस में काफी तेज होने लगे हैं। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से भी किया गया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी हर किसी को पता है कि किस तरह से कांग्रेस के विधायक लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर नजर आए हैं और लंबे समय से कांग्रेस विधायक अलग अलग मसलों को लेकर गठबंधन पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। ऐसे में ये संभव है कि अगले कुछ दिनों में नाराज चल रहे कुछ विधायक बीजेपी या फिर शिवसेना का साथ पकड़ सकते हैं, ये उनके तरफ से बड़ी बात कही गई है। यानी जिस तरीके से हम आपको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के 10 विधायक आज महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे, आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 44 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनमें से 10 विधायकों ने आज इस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया है, तो सवाल यही है कि अब कांग्रेस पार्टी अपने बचे खुचे विधायकों को कैसे बचा पाए। कि क्या हम ये तस्वीर आने वाले वक्त में देखेंगे कि एकनाथ सिंधे, जो लगातार महाविकास अघाड़ी और खासतौर पर शिवसेना के विधायकों को साध रहे हैं, क्या वो अब कांग्रेस में भी सेंध लगाएंगे और वहां से भी विधायकों को अपने पाले में करेंगे, तो जाहिर तौर पर उसके बाद
जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की देश के तमाम राज्यों में बनी हुई है, जिस तरह से एक के बाद एक तमाम राज्यों में सत्ता कांग्रेस गवा चुकी है, इसके अलावा जहां सत्ता पर काबिज थी वहां भी दरअसल पलटकर सत्ता पर नहीं आ रही है, तो यही तमाम नुकसान है जो कांग्रेस पार्टी को बीते कुछ सालों में कहीं ना कहीं उठाने पड़े हैं। और अब ये माना जा रहा है कि इस सबके बाद अब महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बिखर जाएगी। अब तक कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थी, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनकर खुद को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाया है, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं तमाम राज्यों में एक बड़े भाई की भूमिका में नजर आई है, लेकिन वहीं महाविकास अघाड़ी में वो सबसे जूनियर पार्टी के तौर पर देखी गई। और यह भी उद्धव ठाकरे सरकार का जब से गठन हुआ है, जब से एमवीए सरकार महाराष्ट्र में बनी, उसके ठीक बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से नाना पटोले से लेकर बाला साहेब थोराट और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता महाराष्ट्र में हैं, वो लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर नजर आए। तमाम मुद्दों को लेकर जो उनके बयान सामने आए हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल सरकार भले ही एमवीए की हो, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी जो है किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है, किसी भी मसले पर उनसे राय नहीं ली जा रही है। ये तमाम जो लड़ाई थी, सियासी जंग थी, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और ये पहले से ही कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी, ये तीनों पार्टियां एक साथ नहीं रहेगी, जिस तरह से लगातार मतभेद जो है वो सामने आ रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही जब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को लेकर उम्मीदवार का चुनाव करना था, उस वक्त भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो गहमा गहमी थी वो देखने को मिली, जहां बाला साहेब थोराट की ओर से ये बयान दिया गया कि दरअसल जो स्पीकर का उम्मीदवार था वो कांग्रेस पार्टी से चुना जाना था, लेकिन हमने शिवसेना के लिए ये पद छोड़ दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं मजबूर होकर कई फैसले कांग्रेस पार्टी को लेने पड़े हैं महाराष्ट्र में। तो क्या अब जब महाविकास अघाड़ी सत्ता पर नहीं है तो महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी? क्या शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अलग थलग हो जाएंगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के बाद कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। 44 विधायक फिलहाल कांग्रेस के महाराष्ट्र में हैं और 44 में से 10 विधायकों ने आज वोट नहीं किया है, तो ऐसे में क्या ये 10 विधायक जानबूझकर वोटिंग करने के लिए नहीं पहुंचे, या फिर इनका रुख आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि क्या ये बदलेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि माना जा रहा है कि ये तमाम जो विधायक हैं ये शिवसेना के यानी एकनाथ सिंधे के या फिर बीजेपी के खेमे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल आया उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मुश्किल में फंस चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी तक जरूर 44 विधायक थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में थी, लेकिन अब वहां सत्ता जा चुकी है, अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र में हो चुका है और उसके बाद तमाम लोग अब कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साध रहे हैं। वहीं अखिलेश शर्मा जो कि एक पत्रकार हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है, जिस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के लिए फिलहाल देश में बन चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि राज्यसभा चुनाव में वोट देते समय पैन की स्याही बदलती जाती है, विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान के समय देर से पहुंचते हैं और कांग्रेस को अपने विधायकों, सांसदों को उचित प्रशिक्षण देने की जरूरत है, नहीं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दिक्कत आ सकती है। इस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसा जा रहा है। फिलहाल सवाल तो यही है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी जो कि 2 से 2.5 साल तक चली, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन किया, सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस को शिवसेना के साथ जाकर क्या मिला? जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा है, क्योंकि शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाना ये वक्त की जरूरत महाराष्ट्र में थी, लेकिन इसके बदले कांग्रेस को
क्या मिला। कांग्रेस महाराष्ट्र की सत्ता में हमेशा, जैसा कि हमने बताया कि बड़े भाई की भूमिका में रही है, एनसीपी के साथ मिलकर चाहे गठबंधन किया हो, लेकिन जब 2019 में ये सरकार बनी तो जाहिर तौर पर एक जूनियर पार्टनर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी नजर आई। कांग्रेस को शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए वैचारिक रूप से समझौता करना पड़ा, जिसमें ना तो उसे एनसीपी की तरह डिप्टी सीएम की पोस्ट मिली और ना ही कोई बड़ा जो विभाग है वो उनके नेताओं को दिया गया। यानी एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से दरकिनार ही की गई, अलग थलग ही नजर आई। और शायद यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब कांग्रेस पार्टी में भी महाराष्ट्र में बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 44 विधायकों की संख्या घटकर बहुत कम भी रह जाए, क्योंकि फिलहाल जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में तमाम विधायकों को अपनी तरफ साधा जाए, अपने पक्ष में किया जाए। क्या इस कोशिश में कामयाब हो पाएंगे एकनाथ शिंदे, ये देखना होगा। लेकिन सवाल उन 10 विधायकों को लेकर ही बना हुआ है जिन्होंने आज मतदान नहीं किया, जब एक एक विधायक का वोट बेहद महत्वपूर्ण था। ऐसे में 10 विधायक, जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, वो वोट करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं पहुंचे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।